नांदेड़ शहर में मुर्तुजा हज व उमरा टूर्स एंड ट्रैवल्स का शानदार आगाज अमल में आया। उल्मा इकराम की जेर सरपरस्ती दिगलुर नाका इलाके के आर के टावर में वाक़े इस टूर्स के दफ्तर का इफ्तिताह खाजी फसीउर रहमान के हाथों हुआ। उल्मा इकराम व दीनदार हजरात की जेर सरपरस्ती चलने वाला मुर्तुजा टूर्स एंड ट्रैवल्स इंतहाई कम वक्त में अपनी बेहतरीन खिदमात के जरिए अवाम में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। लातूर से शुरू हुए इस टूर्स एंड ट्रैवल्स की शाखें नांदेड़ के अलावा बैरून रियासत में भी कायम की गई हैं। अब तक इस टूर से तकरीबन 32 काफिले उल्मा इकराम की रहबरी व निगरानी में हज व उम्रे की सादत हासिल कर चुके हैं। नांदेड़ में मुर्तुजा टूर्स की इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से लातूर से तशरीफ़ लाए हाफिज़ अब्दुल जब्बार साहब, मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब खासमी, मौलाना मोइज़ुद्दीन साहब खासमी, मौलाना इनामुल हक़ साहब, मुर्तुजा टूर्स के डायरेक्टर हफीज़ुर रहमान उर्फ बाबा खाजी, शहर नांदेड़ के मौजूद तरीन शख्सियात जिनमें खारी असद समदी साहब, मौलाना मोहम्मद सरवर साहब खासमी, मुफ्ती सुलेमान रहमानी, मौलाना शेख वसीम हुसैनी, मुफ्ती मोहम्मद तालिब अलमौदी खासमी, हाफिज़ मोहम्मद हारून साहब इशाती, हाफिज़ अब्दुल वाजिद, हाफिज़ मोहम्मद शकील, हाफिज़ अब्दुल अलीम, आर के टावर के मालिक रशीद खान व वाजिद अंसारी व दीगर मौजूद थे। नांदेड़ में शुरू की गई मुर्तुजा टूर्स की इस ब्रांच को संभालने की जिम्मेदारी शारिक खान और अशफाक हुसैन के सुपुर्द की गई है। इस इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करने वाले तमाम हजरात का इस्तकबाल शब्बीर खान, असलम खान और शहबाज खान ने किया। ये आज की घड़ियाँ हमारे लिए बायस सद मसरत हैं। मुर्तुजा हज उमरा टूर एंड ट्रैवल्स के इफ्तिताह के सिलसिले में लातूर से मुतअद्दिद उलमा के साथ मेरी भी हाज़िरी हुई और पिछले 4 साल से ये टूर हमारे शहर लातूर में बड़ी अच्छी खिदमत अंजाम दे रहा है। खुसूसन उलमा और अहलुल्लाह आम अफराद भी इससे खुश हैं और इतनी लंबी मुद्दत में अल्लाह का शुक्र है किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं मिला। आज उसकी एक शाख आपके शहर नांदेड़ में भी शुरू होने जा रही है और इसी तरह कर्नाटक में हुबली के अंदर भी एक शाख इसकी काम कर रही है, फ़ाल और मुतारिक है, और निज़ामाबाद में भी इंशाल्लाह तेलंगाना के अंदर यहाँ के शाख का इफ्तिताह होगा। और हम मज़ीद दिल के गहराइयों से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस पूरे फैमिली को और इनके ऑपरेटर को, इनके साथ के मुआविनीन को दुनिया आखरत में बेहतरीन जजा नसीब फरमावे और हुस्न कबूल नसीब फरमावे। बस इन्हीं नेक तमन्नाओं के साथ मज़ीद हम दुआ भी करते हैं और तरक्यात के मुतमन्नी भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान, अल्लाह का करम है कि नांदेड़ के लोगों की फरमाइश पर अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है यहाँ इसकी शाखा ओपन हुई है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम और बहुत बड़ा करम है। नांदेड़ से बहुत से लोग मुर्तुजा हज उमरा टूर्स एंड ट्रैवल से जुड़े वाले हैं। बहुत दिनों से 2019 से नांदेड़ के लोगों की फरमाइश थी, डिमांड थी कि आप जो है सो मुर्तुजा हज उमरा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जो शाखा जो है यहाँ खोले। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शारिक भाई जैसे, इनके वालिद साहब जैसे ज़िम्मेदार हमारे से जुड़ गए। ये लोग हज जो है मुर्तुजा हज उमरा टूर्स एंड ट्रैवल्स से आए वाले हैं। इनको पता चला कि मुर्तुजा हज उमरा टूर्स एंड ट्रैवल्स की क्या सर्विस है, वैसे बात वो एतबार से ये लोग हमसे जुड़ गए। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है सो ओपनिंग हुई उसकी, और अल्लाह से हम दुआ करते हैं और इस बात का वादा भी करते हैं कि इंशाल्लाह यहाँ से जो भी लोग आएंगे उसका जो है सो खिदमत जो है सो हम अंजाम देंगे। और ये टूर का हमने जो काम चालू किया, ये खिदमत की जज्बे से जो है सो टूर का काम चालू किया है। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करें, आप लोग भी दुआ करें, हम भी दुआ करेंगे। अल्लाह हमारे नस्लों से और खान साहब की नस्लों से अल्लाह ताक़ायमत जो तो इस्तेक़ामत के साथ काम ले। अस्सलामु अलैकुम। आज मुर्तुजा टूर का इफ्तिताह अमल में आया है और आप सब तो जानते हैं कि मुर्तुजा टूर की सर्विस कैसी है। पिछले 4 साल से टूर लातूर में है और ये टूर से हमारे वालिद साहब गए थे उमरे को, तो ये टूर की सर्विस बहुत अच्छी रहने से हम इनके साथ जुड़े हैं काम करने के लिए। और अल्लाह का फजलो करम है, अल्लाह ने बहुत नवाजा है। हम ये फील्ड में इसलिए आए हैं कि लोगों को खिदमत करने का मौका हमको चाहिए, इसलिए हम ये काम में आगे बढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से काजी हफीज़ुर रहमान साहब और हमारे अली जनाब अब्दुल रशीद खान साहब, ये दोनों को अल्लाह खूब खूब बरकतों से नवाजे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह दोनों भी इतने बड़े ताजिर है कि इनको और कोई मज़ीद काम करने की ज़रूरत नहीं है मैं समझता हूँ। लेकिन एक खिदमत का जज्बा इनके अंदर पहले से ही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे हाजी रशीद खान साहब को कई बार उम्रे और हज के लिए चुना और मक्के मदीने की ज़ियारत कई बार नसीब हुई। लेकिन आज मुर्तुजा टूर से जो मुलाकात उनकी हुई है
कम से कम पिछले महीने तकरीबन 25 लोगों के साथ वो अपने फैमिली के साथ उमरे के लिए गए थे। हर बार हमारी अपनी ये गुफ्तगू चलती थी कि कोई अच्छा टूर रहे, क्योंकि आज लोग हर चीज़ को तिजारत समझ रहे हैं, लेकिन मक्के मदीने के लिए खिदमत खल्क का जज्बा होना ज़रूरी है, वरना हाजियों को उमरे के लिए या हज के लिए लेके जाकर यहाँ पर झूठे वादे कर या कोई छोटे से पैसों की स्कीम बताकर नांदेड़ में काफ़ी वक्त में लूटा गया। तो मैं समझता हूँ कि लातूर से ये जो खाजी टीम आई है, हम उनका इस्तकबाल करते हैं, सभी उलमाओं का इस्तकबाल करते हैं, और हमने इनके टूर में देखा है कि जहाँ पर अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, जहाँ पर हाफिज़ और आलिम वो खारी है, इन्हीं में वो जज्बा है कि मक्के मदीने में किस तरीके से हाजी को सहूलत दे, किस तरीके से उसके लिए आसानियां पैदा करे। और हमारे हाजी रशीद खान साहब को, उनके पूरी फैमिली को, खान फैमिली और खाजी फैमिली को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला आपके सफ़र को लंबा चलाए और जाने वाले आजमीन का सफ़र आसान हो। जैसे वादे हमने सुने हैं, वैसी वादे पे अल्लाह ताला आपको कायम और दायम रखे। और मुझे बोलने का मौका दिया गया, इसके लिए मैं मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ और आप सबका शुक्रगुजार हूँ। और सभी से गुजारिश करता हूँ कि मक्के मदीने के लिए जो भी ख्वाहिशमंद है वो हमारे आर के टावर में रशीद खान साहब से मुलाकात करें। और बाकी और भी इनकी जो है तो शाखें खुलने वाली है निज़ामबाद, तेलंगाना और भी कई जगहों पे, तो मैं चाहता हूँ कि अल्लाह इनको कामयाबी से नमाज़ दे।